हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एक कैगल का एक और कंपटीशन प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और इस कंपटीशन में हम देखेंगे कि कौन सा हम एल्गोरिथम लगा सकते हैं। ओके, तो आपको अपने ब्राउजर पर जाना है और सिंपली सर्च करना है कि डेटा साइंस, जो प्रॉब्लम का नाम है डेटा साइंस लंडन साइकेटलर्न। ओके, और आपको पहली बार लिंक मिलेगी डेटा साइंस लंडन प्लस साइकिटलर्न। तो इस प्रॉब्लम का नाम ही है डेटा साइंस लंडन साइकिटलर्न। तो इस प्रॉब्लम को भी एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वी इनकरेज यू टू पार्टिसिपेट पोस्ट कोड। सो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, लिंक इन द लेफ्ट, डोंट वरी अकाउंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द नोटबुक इन्फॉर्मेशन एंड जस्ट गो टू द इवेल्युएशन। ओके, सो सी द इवेल्युएशन, दिस इज ए बाइनरी क्लासिफायर क्लासिफिकेशन टास्क। यू आर इवेल्युएटेड ऑन क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी, द परसेंटेज ऑफ लेबल्स यू प्रेडिक्ट करेक्टली। द ट्रेनिंग सेट हैज 1000 सैंपल्स एंड द टेस्टिंग सेट हैज 9000। योर प्रोडिक्शन शुड बी 9000 क्रॉस वन वेक्टर ऑफ वंस और जीरोज। यू ऑल्सो नीड एन आई डी कॉलम 1 to 19000 एंड शुड इंक्लूड अ हेडर द फॉर्मेट ऑफ लुक। ओके, तो मैं आपको इसको समझाऊंगा अभी क्या कर रहा है। अभी एक बार हम डेटा को देख लेते हैं, ठीक है। तो डेटा में क्या है, दिस इज अ सिंथेटिक डेटा सेट ऑफ 40 फीचर्स। ठीक है, मतलब हमारे पास जो कॉलम्स है वो 40 फीचर्स हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टू क्लासेस लेबल्ड एज 0 और 1। द ट्रेनिंग सेट हैज 1000। सो एक्चुअली हमारे पास क्या है, लेट मी ओपन ओपन बोर्ड। सो लेट्स गो टू द, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक डेटा सेट है। ठीक है, एक ट्रेनिंग डेटा सेट दिया है और एक टेस्टिंग डेटा सेट है। ट्रेनिंग है और ये टेस्टिंग है। ठीक है, ट्रेनिंग में क्या है, हमारे पास 1000 रोज हैं, 1000 रोज है हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट में, और हमारे टेस्टिंग डेटा सेट में 9000 रोज हैं। ठीक है, तो आपको पता है ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग वाला डेटा होता है उसमें एक लेबल भी होता है। लेबल मतलब आउटपुट, लेबल आउटपुट, एक आउटपुट होता है और एक इनपुट होता है। तो यहां पर एक इनपुट जो होता है उसे हम फीचर बोलते हैं, और आउटपुट जो हमारा होता है उसे लेबल बोलते हैं। सो इसमें 1000 टोटल 1000 रोज है, और वो जो रोज है वह जो हमारा लेबल है वह 0 है या तो 1 है, 0 है या तो 1 है। सो हमारा डेटा जो है, और इधर जो है हमारे पास 40 कॉलम्स है ट्रेनिंग में, जो हमारे पास 40 फीचर्स हैं। ठीक है, इस 40 फीचर्स के हिसाब से हमको क्लासिफिकेशन का एक प्रॉब्लम करना है जो 0 या 1 प्रिंट करेगा। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्या प्रॉब्लम, हमारे पास 40 फीचर वाला एक डेटा सेट है, और जो लेबल है उसका, वह उसमें केवल 2 ही चीज आ सकती है, 0 या तो 1। ठीक है, तो दिस इज क्लियरली सीन दैट कि दिस इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, दिस इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ओके, सो वी विल यूज द क्लासिफिकेशन मॉडल ऑन दिस क्वेश्चन। हमको बेसिकली करना क्या है कि अपना मॉडल लगाना है एक, और जो हमारा मॉडल पहले ट्रेन होगा ट्रेनिंग वाले डेटा पे, फिर जो हमारा टेस्टिंग डेटा है उस पे हमको टेस्ट करके जो आउटपुट लाना है। तो आउटपुट के लिए इन्होंने क्या बोल रखा है, तो इवेल्युएशन वाला एक बार देख लेते हैं। तो चलते हैं इवेल्युएशन वाले पार्ट में। तो इवेल्युएशन में इन्होंने बोल रखा है कि इवेल्युएशन में जो है हमारे पास जो 9000 डेटा है, ये जो हमारे पास 9000 रो है, इसके इसके लिए आपको, इस पर्टिकुलर रो के लिए आपको 0 प्रिंट करवाना है तो 1 प्रिंट करवाना है। ठीक है, ये जो 0 आएगा तो एक रो के लिए 1 या 0 1 रो आएगा, इससे 9000 हमारे पास 0 आना जाएंगे। तो उसमें क्या करना है, हमको 2 कॉलम बनाना है। ठीक है, 2 कॉलम, एक कॉलम आईडी है और एक कॉलम सॉल्यूशन है। ठीक है, और हमको यही वाली जो सबमिट फाइल है इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, तो चलो देखते हैं। हमारे पास जो प्रॉब्लम के लिए, कोई भी मशीन लर्निंग के लिए प्रॉब्लम के लिए, पहले सबसे पहले क्या होता है, हम डेटा रीड करते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या होता है, ईडीए करते हैं, प्री प्रोसेसिंग यानी ईडीए करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग
उसको लेबल और इनपुट को अलग अलग करते हैं, ठीक है। फिर अगला हमारे पास जो स्टेप होता है, हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं। प्री प्रोसेसिंग करते हैं मतलब अपने डेटा को देखते हैं कि आउटलायर्स है कि नहीं है, सब कुछ देख लेते हैं, मतलब ईडीए में ये हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, हम अपने पास आउटलायर्स देखते हैं, फिर स्केलिंग करते हैं, ठीक है, और फिर मॉडल लोड करते हैं, और मॉडल लोड करने के बाद उसको ट्रेन करते हैं, और उसके बाद अपना इवेल्यूशन करते हैं। तो यही सारे जो स्टेप हैं हम इस डेटा पे करने चलेंगे। तो चलिए करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट मिलता है। तो चलिए आपको यहाँ पे चले जाना है डेटा पर, और डाउनलोड करने के लिए हमको यहाँ से चलना पड़ेगा, न्यू नोटबुक खोलना पड़ेगा। तो चलिए न्यू नोटबुक खोलते हैं, कोड पे चले जाएंगे, हमको यहाँ पे न्यू नोटबुक खोलना है। जस्ट क्लिक ऑन द न्यू नोटबुक एंड इट विल ओपन अ न्यू नोटबुक फॉर यू। ओके, सो यहाँ पे मिलेगा हमको डेटा, ये हमारा टेस्टिंग डेटा है, ट्रेन डेटा है, और ये ट्रेन लेबल्स हैं, मतलब जो ट्रेन डेटा में हमारे पास जो भी लेबल्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहला काम हमको डेटा चाहिए। चलिए सबसे पहला काम वही कर लेते हैं कि डेटा को रीड करते हैं। इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, इम्पोर्ट नम पाई एज एनपी। ओके, और हम टेस्टिंग वाला जो है इसका कॉपी पास्ट कर लेते हैं, और हमारे पास ये हो जाएगा टेस्ट डेटा पीडी डॉट रीड सी एस वी, रीड सी एस वी। यहाँ पे हमको पेस्ट कर देना है अपना कॉपी पास्ट। उसी तरह ट्रेन डेटा के लिए हमारे पास हो जाएगा पीडी डॉट रीड सी एस वी, और हमको सिंपली यहाँ पर ट्रेनिंग का कॉपी पाथ यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। और इसी तरह हमको वाई के लिए भी चाहिए, वाई के लिए पी डी डॉट रीड सी एस वी, और इसका हमको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, कॉपी पाथ देना पड़ेगा। तो जस्ट तो ये रहा हमारा सारा डेटा, ठीक है, डेटा आया कि नहीं उसको चेक करने के लिए मैं तो करता हूँ सबका सेव प्रिंट करा देते हैं। टेस्ट डॉट सेव, सेव में कितने साइज का डेटा था, 9000 थे, और ट्रेन में कितना था, ट्रेन में 1000 थे। ट्रेन डॉट सेव और वाई डॉट सेव। ओके, तो ये देखिए जो हमारा टेस्ट का सेफ है 8000, ट्रेन का सेफ है 1000, और वाई का जो वाई में जो लेबल है मतलब ट्रेन के पास जो लेबल था 1000 था वो वाई में पड़ा है, ठीक है। देखने के लिए कि हमारा डेटा कैसा है तो एक बार कर लेते हैं ट्रेन ट्रेन डॉट हेड, ठीक है। तो ठीक है, ये रहा ट्रेन डॉट हेड। हमारे पास कॉलम कितने थे, फीचर्स कितने थे, हमारे पास टोटल 40 फीचर्स थे। तो 40 फीचर्स के लिए अब हमको कॉलम का नाम चेंज करना पड़ेगा, सारे कॉलम्स का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कर देते हैं हम, तो डाइट देते हैं क्या, एक लिस्ट बना देते हैं, और ठीक है कॉलम नाम की एक लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट लिस्ट 1 to 40, 0 to 40। ओके, एक बार कॉलम को प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं सही आता है कि नहीं। तो दिस इज शोइंग सम एरर, सो लिस्ट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लिस्ट एनपी डॉट अरेंज, एनपी डॉट अरेंज। नंपाई इंपोर्ट नंपाई एज, तो
ये रेंज नहीं, यहाँ पर हमको देना पड़ेगा रेंज 0 to 40। तो ठीक है, अब हमको चेंज करना है अपना ट्रेन और टेस्ट दोनों का कॉलम का नेम चेंज करना है, तो हमको डायरेक्ट देना पड़ेगा ट्रेन डॉट सी ओ एल यू एम एन एस ट्रेन डॉट कॉल इक्वल टू कॉल दे देंगे और टेस्ट डॉट सी ओ एल यू एम एन एस इक्वल टू हम सीधे कॉल दे देंगे। तो देखते हैं ये चलता है कि नहीं। तो ठीक है, एक बार अपने ट्रेन को देख लेते हैं ट्रेन डॉट हेड। ओके, तो ठीक है, हमारा जो नाम है कॉलम का नेम जो है हमारा चेंज हो गया। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, हम लोग को देखना पड़ेगा कि हमारे डेटा में जो आउटलायर्स वगैरह हैं कि नहीं है। तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास दो तरीका होता है, ट्रेन डॉट इन्फो करके होता है एक, और एक सो दिस इज सेइंग 990 नॉट नल। सो हमारी वैल्यूज जो है को वो किसी में नल वैल्यूज नहीं है, डेटा सेट हमारा बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा डेटा सेट एकदम अच्छा है। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम अपना डिस्क्राइब करके रिलेशन निकाल सकते हैं कि रिलेशन क्या दिया है। तो ट्रेन डॉट टी आर ए आई एन ट्रेन डॉट डिस्क्राइब ट्रेन डॉट डिस्क्राइब, तो यहाँ पे हमको सारा हमको रिलेशन मिल जाता है कि क्या रिलेशन मिला है, तो हमको इससे कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है, तो इसको हम भैया कर देते हैं ट्रांसपोज। सो ये रहा जो हमारा कॉलम नंबर एक है उसकी जो हमको काउंट कितना है 999 है, मीन इसका इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.0 इतना है, मीन वैल्यू इतना है और मैक्स वैल्यू इतना है। चलो पहला कॉलम सही है, मीन इसका ये भी सही है, ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 4 से 17 के बीच में है। सो मुझे नहीं लगता कि मेरे डेटा को क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और डेटा जो है बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। आप इसके बाद भी अब अगर आपको नहीं है तो आप बॉक्स प्लॉट करके देख सकते हैं किसी एक का, तो उसके लिए आपको सीबॉर्न और मैट प्लॉट लिप इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो आप करके उसे देख सकते हैं। और एक बार एक काम करते हैं, चलिए अपना हम लोग मॉडल को इम्पोर्ट करते हैं और एक बार मॉडल लगा के देखते हैं, फिर उसका जो भी एक्यूरेसी आएगी हम लोग उसको जो है उसके बाद अब डेटा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्या यूज कर सकते हैं, अभी के लिए चलो हम लोग यूज करते हैं रेंडम फॉरेस्ट। ओके, तो चलते हैं, तो इसके लिए हम लोग रेंडम फॉरेस्ट यूज करते हैं। तो रेंडम फॉरेस्ट आप यहाँ पे देख भी सकते हैं क्या कि बॉक्स प्लॉट कीजिए, और अगर कोई रिलेशन देखना चाहते हैं तो कोई रिलेशन देख लीजिए। तो वैसे इतना बहुत हैवी प्रॉब्लम है नहीं, तो इसमें ज़्यादा हमको डेटा क्लीन की जरूरत पड़ेगी नहीं, डेटा बहुत क्लीन दिया गया है, तो उसके लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहले हम डेटा को अपने डेटा को करते हैं ट्रेन प्रोसेस यूज करते हैं, तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ओके, सो इसके लिए हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम sklearn .model selection import train test split। ओके, तो इसको इम्पोर्ट करते हैं, तो ये इम्पोर्ट हो गया, और हमको अपने डेटा को ट्रेन टी आर ए आई एन ट्रेन और एक्स टेस्ट और वाई ट्रेन और वाई टेस्ट इसको करना पड़ेगा ट्रेन टेस्ट और स्प्लिट split स्प्लिट, और इसमें हमको देना पड़ेगा क्या अपना ट्रेन वाला डेटा, और देना पड़ेगा हमको लेबल और टेस्ट साइज, टेस्ट साइज देते हैं 0.2 और रेंडम स्टेट इक्वल टू 42। सो
एक बार इसको प्रिंट कर लेते हैं सबकी साइज, प्रिंट यक्स ट्रेन डॉट सेव यक्स टेस्ट डॉट सेव दिस इज कैपिटल यक्स ओके सो वाई ट्रेन डॉट सेव एंड वाई टेस्ट डॉट सेव तो ये रहा हमारा डेटा। तो डेटा में क्या हो रहा है, प्रिंट जो हमारा ट्रेन डेटा सेट था 1000 का जो रो था उसमें हमने 20% दे दिया टेस्टिंग के लिए, उसको भी स्प्लिट कर दिया 800 और 200 में, ठीक है। मतलब हमारा चला जाएगा 800 ट्रेनिंग करेंगे और 200 से हम लोग टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने मॉडल को रेंडम फॉरेस्ट को इम्पोर्ट करते हैं। तो उसको इम्पोर्ट करने के लिए राम sklearn learn sklearn dot ensemble import, यहाँ पर क्या चाहिए हमको, रेंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर चाहिए या फिर रेंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर चाहिए। तो यहाँ पर हमको चाहिए रेंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर चाहिए ना, तो हमको कहेंगे इम्पोर्ट रेंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर FIER क्लासीफायर। तो हमारा यहाँ पे मॉडल इंपोर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस पे जो है एस्टिमेटर फिट करते हैं और अपने डेटा को जो है ट्रेन करने के लिए भेज देते हैं। तो करते हैं RF इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर रैंडम क्लास रेंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर और इसमें हम लोग फिट कर देते हैं यन एस्टिमेटर इक्वल टू यन एस्टिमेटर एन टी एस एम ए टी ओ आर एस, ठीक है। एन एस्टिमेटर दे देते हैं 1000 और मैक्स डेप्थ दे देते हैं इसको मैक्स डी ई पी टी एच मैक्स डेप्थ मैक्स दे देते हैं 4 एंड हम लोग देते हैं मिन सैंपल्स मेन सिंपल्स चला जाता है 7 और यन जॉब्स में दे देते हैं -1, ठीक है। तो दिस इज सेइंग मिन सिंपल्स, तो मिन सिंपल के लिए मिन सिंपल स्प्लिट, यहां पर मिन सिंपल स्प्लिट हमको देना पड़ेगा split मिन सिंपल स्प्लिट। तो ये जो हमारा अभी क्या किया हमने रेंडम वैल्यू ले ली जिसके पैरामीटर था यानी एस्टिमेटर हमने रेंडम उठा लिया 1000 मैक्स रेंडम अपने से ले लिया हमने 4 मीन सैंपल्स हमने अपने से ले लिया 7 यन जॉब्स को हमने -1 ले लिया। अभी एक बार हम क्या करते हैं कि अभी एक बार हम इसको जो है रेंडम लेके देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास बेस्ट पैरामीटर निकालने के लिए क्या होता है, हमारे पास बेस्ट पैरामीटर निकालने के लिए हमारे पास जो होता है ग्रिड सर्च सीवी, तो हम लोग ग्रिड सर्च सीवी लगा करके एक बार इस पैरामीटर को निकालेंगे। पहले एक बार वैसे इसको निकाल लेते हैं फिर जो भी आएगा, फिर उसके बाद हम लोग एक बार ग्रिड सर्च सीवी लगा करके एक सब हम इसके पैरामीटर्स निकालेंगे बेस्ट पैरामीटर्स। सो ठीक है पहले फिट करते हैं इसी पे। तो RF डॉट फिट फिट हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा एक्स ट्रेन और देना पड़ेगा हमको वाई ट्रेन PRAIN, ठीक है। तो ये रहा हमारा मॉडल जो है हमारा ट्रेन हो गया। यहाँ पे ट्रेन होने पर क्या है कि हमारा जो पैरामीटर्स मैक्स डेप्थ 4 है मीन सैंपल 7 है एन एस्टिमेटर 1000 है एन जॉब्स -1 है। तो अब हमको चाहिए स्कोर, सो स्कोर कैसे निकालेंगे, हमको वाई प्रिंट निकालना पड़ेगा। सो वाई प्रिंट इज इक्वल टू किस पे निकालेंगे, टेस्ट पे निकालेंगे। तो RF डॉट प्रिडिक्ट हमको देना पड़ेगा एक्स टेस्ट। तो ये रहा हमारा वाई प्रेडिक्ट, इसको हम लोग एक बार प्रिंट कर लेते हैं इसकी साइज। तो वाई प्रेड में कितना आएगा, 200 आएगा इसमें ना, तो ठीक है 200 आना चाहिए, ठीक है। तो वाई प्रेड डॉट सेप, ठीक है। तो प्रे हमारा सही है, हमको क्या करना है,
एक्यूरेसी चेक करनी है, एरर निकालनी है, एरर कितनी आई। तो एरर निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, फ्रॉम या स्केलर LEARN डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट मीन SQUARED स्क्वायर्ड एरर। ओके सो एरर देखते हैं कितना आया, तो मीन SQUARED स्क्वायर्ड एरर इज इक्वल टू, मीन स्क्वायर्ड एरर इज इक्वल टू हमको मिलना चाहिए RF डॉट मीन स्क्वायर्ड एरर, और हम यहाँ पे देंगे वाई ट्रेड, और हमको देना पड़ेगा वाई टेस्ट। ठीक है तो देखते हैं, हमारे पास जो एरर निकल के आई 0.18 निकल के आई। ठीक है बढ़िया, तो काफी कम एरर है। तो हमने अभी क्या ग्रिड सर्च भी लगाया नहीं, हमने टोटल वैसे ही बस सिंपल सा रैंडम फॉरेस्ट। देखिए स्टफ ने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपल सा अपना डेटा लोड किया। ठीक है उसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया है। ठीक है और तीसरा हमने क्या किया, ये पहला है दूसरा, तीसरा हमने मॉडल लोड किया। ठीक है मॉडल लोड करने के बाद हमने क्या किया, फिट कर दिया, और फिट करने के बाद हमने जो है उस टेस्टिंग वाले डेटा पर टेस्ट कर लिया। तो अब हमको सबमिशन डॉट सी एस वी बनानी है, तो सबमिशन डॉट सी एस वी हमको क्या चाहिए, आईडी चाहिए, और एक हमको चाहिए सोल्यूशन। हमने देखा था हमारे पास क्या चाहिए, एक आईडी चाहिए और एक सोल्यूशन चाहिए, और उससे सबसे पहले हमको अपने जो टेस्ट डेटा है उस पर हमको निकालना पड़ेगा वाई पीरियड। तो वाई पीरियड निकाल लेते हैं हम लोग, वाई पीरियड फॉर किसके लिए, टेस्टिंग के लिए। तो ये कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, आर एफ डॉट प्रिडिक्ट, आर एफ डॉट प्रिडिक्ट किसके डेटा पे, टेस्ट डेटा पे। सो ये तो वैल्यू प्रिंट हो गई, और हम एक बार वाई पीरियड, अब वाई पीरियड का हम एक बार सेव कर लेते हैं। तो इसमें कितने डेटा है, वाई पीरियड में हमारे पास SHAPE, वाई पीरियड हमारे पास जो है टोटल 9000 डेटा थे। तो वाई टेस्ट में जो हमारा टेस्टिंग डेटा था उसमें 9000 रोज थे, तो जो हमारा वाई प्रिडिक्शन आएगा उसमें 9000 रोज होंगे। ठीक है अब हमको इसको सेट करना है अपने डेटा फ्रेम, अपने सोल्यूशन में। सोल्यूशन वाले हमने देखा था कैसा था, सोल्यूशन वाला हमारा था, हमको एक आईडी चाहिए, एक कॉलम में आईडी चाहिए और एक कॉलम में सोल्यूशन नाम का आईडी, इन चाहिए सोल्यूशन। हाँ ठीक है तो हमको सोल्यूशन नाम का चाहिए, तो चलिए इसको बनाते हैं। इस तरह का हमको एक डेटा फ्रेम बना डिजाइन करना पड़ेगा, तो फट से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबमिशन SIOn सबमिशन इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम, इसमें हमको देना पड़ेगा NP डॉट अरेंज NP डॉट अरेंज, एंड इसमें देना पड़ेगा हमको वन से लेकर लेंथ ऑफ किसका, लेंथ ऑफ टेस्ट डेटा, लेंथ ऑफ टेस्ट डेटा। और ये हमको कहाँ से चाहिए, हमको चाहिए लास्ट तक, तो इसको हमको प्लस वन करना पड़ेगा। ठीक है ये हमको मिल गया, और इसका जो नाम होगा कॉलम्स COLUMNS, COLUMNS। ठीक है इसका जो कॉलम्स होगा वो होगा हमारी आईडी। ठीक है और क्या, ये तो अभी हमारा जो आईडी वाला कॉलम बना, जो हमको आईडी वाला कॉलम चाहिए वो चाहिए। हमने क्या किया, एनपी डॉट नम पाई का अरेंज बना 0 से लेकर लेंथ ऑफ टेस्ट कितना, नाउ 9000, 1 से लेकर 9000 तक। ओके सो हम यहाँ पर 1 प्लस क्यों कर रहे हैं, अगर हम 0 से लेते तो बन जाता, लेकिन यहाँ पे जो हमारा डेटा सेट है हमको 1 से अलाउ कर रहा है, तो हमको 1 से करना पड़ेगा, इसलिए मैंने प्लस 1 कर दिया। हमने एक कॉलम तो ऐड कर दिया सबमिशन में, अब क्या चाहिए हमको, अब सबमिशन में ऐड करना देना पड़ेगा। तो सबमिशन डबल SIOn सबमिशन इक्वल टू PD डॉट कनकनेट, कनकनेट एक फंक्शन होता है जो क्या होता है, एक कॉलम को एक फीचर उसमें एक और फीचर लाके ऐड कर देता है, मतलब एक कॉलम को दो कॉलम को मर्ज करता है, हम लोग कोई मर्जिंग वाला काम कर रहे हैं। तो ठीक है मर्ज करते हैं, तो सबमिशन इसमें क्या था, हमारे पास आईडी है,
और इसको हमको मर्ज करना है टेस्ट। हमारे पास जो वैल्यू है ये क्या, टेस्ट प्रेड, हमारे पास वाई प्रेड, और इसको चाहिए सल्यूशन, इसको हम नाम दे देते हैं सल्यूशन, SOLUTION सल्यूशन। और इसका एक्सिस 1, ठीक है, और लास्ट में सबमिशन, सबमिशन को हम सल्यूशन को प्रोवाइड करा देते हैं SOLUTION, इसे हम दे देते हैं क्या वाई प्रेड की वैल्यू, और एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, यहाँ पर हमको सबमिशन करना पड़ेगा और इसको हमको डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो पीडी डॉट डेटा, डेटा फ्रेम, और यहाँ पे हमको कॉलम देना पड़ेगा COLUMNS, कॉलम इक्वल टू यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है, और इसको करते हैं रन। और ये रहा हमारा वाई डॉट प्रेड का सेव, और इसको रन करवाते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा सबमिशन। तो सबमिशन हमने क्या किया कि जो आईडी बना है उसमें ID 1 से लेके 88899 तक हम दे दिए, और जो हमारा सॉल्यूशन में वैल्यू आया उसको हमने वैल्यू में प्रोवाइड कर दिया। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसको हमको सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम सीधे क्या करेंगे, सबमिशन, हमारे पास टू सी एस बी नाम का फंक्शन होता है उसे यूज करेंगे, टू सबमिशन, सबमिशन डॉट टू सी एस बी, और इसको हम लोग बना देते हैं सबमिशन, सबमिशन डॉट सी एस बी कामा, और हमको जो इंडेक्स चाहिए इसमें हम लोग फाल्स कर देंगे या फेल या सी, ठीक है। तो ये हमारा सबमिट हो गया। इसको एक बार यहां देखते हैं कि हमारा सबमिशन डॉट सीएसवी बना कि नहीं। सो यहां पर हमारा सबमिशन डॉट सीएसवी आ गया है। इसको जस्ट डाउनलोड करते हैं हम लोग, डाउनलोड, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लिए, और हमको इसको अब करना पड़ेगा सबमिट। तो डेटा साइंस लंदन, और इसको यहां पे करते हैं और इसको करते हैं सबमिट, देखते हैं क्या होता है, डेटा लेट सबमिशन, ठीक है, और यह एंड हो चुका है लेकिन हम लोग लेट सबमिशन कर रहे हैं। तो लेट सबमिशन करते हैं, तो मैंने पहले भी कर रखा था तो मेरा 86 स्कोर आया था, देखते हैं अब की बार क्या होता है। तो सबमिशन डॉट सी एस बी जो हमने डाउनलोड किया इसको यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं, और इसको करते हैं, ठीक है, हो गया। अब हम एक सबमिशन करते हैं, और या स्कोर कर रहा है, वी आर स्कोरिंग योर सबमिशन, तो इवेल्युएशन सबमिशन मस्ट हैव 9000 रोज। तो हमारे पास जो सबमिशन है वो कुछ गलत आ गया, ठीक है, देख लेते हैं। तो एक बार सबमिशन का जो है हम सेव चेक कर लेते हैं। तो प्रिंट सबमिशन डॉट सेव 8999। तो आपको थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा हमको अपने डेटा सेट में, तो कर लेते हैं चेंज। तो देखिए ये हमने जहाँ हमने अपना कॉलम सेट किया है, ये नेम इज इक्वल टू कॉलम, तो जस्ट रिमूव दिस एंड कॉलम के लिए आप इस तरह कॉलम सेट कीजिए, टेस्ट इज इक्वल टू पी डॉट रीड सी एस बी नेम इज इक्वल टू कॉलम, ये जो कॉलम है हमने दे दिया, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि हमारे पास टोटल डेटा आ जाएगा। उसके बाद आप आइए और यहाँ पर आप अपना सोल्यूशन देख लेते हैं, जो हमारा टेस्ट डेटा पर है उसका हम प्रेडिक्शन से वैल्यू निकाल लेते हैं, और यहाँ पे उसका सेप निकाल लेते हैं, और यहाँ पे एक बार प्रेडिक्शन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको हमारे पास 9000 वैल्यू आ गई, ओके, और समेशन डॉट सेप
चेक कर लेते हैं। और एक बार इसको, अब दो तो हमारे पास हो गए, अब इसको सबमिशन, इसका नाम देते हैं सबमिशन 2.csv, इसको रन करवाते हैं और यहाँ पर हमको मिल जाएगा सबमिशन 2.csv। तो ये रहा हमारा सबमिशन 2.csv, इसको डाउनलोड करते हैं, जस्ट डाउनलोड एंड इसको सबमिट करते हैं। तो जस्ट कम एयर एंड इसको यहाँ पे ड्रा करते हैं सबमिशन 2.csv, ये इसको थोड़ा रन देते हैं और ये लोड हो गया। अब इसको हम लोग सबमिट करते हैं, तो लोड हो जाए फिर सबमिट करते हैं। तो ये लोड हो गया, मेक सबमिशन, इट इज स्कोरिंग आवर वैल्यू। सो देखते हैं कितना स्कोर आता है इसमें। तो ठीक है, इसमें कितना आ रहा है, हमारे पास 83 का स्कोर आ रहा है। तो हमने जस्ट क्या किया है, हमने जस्ट अभी तक केवल रेंडम फॉरेस्ट लगाकर कर दिया है। अभी हमने जो बेस्ट पैरा, जो हमने पैरामीटर इसमें दिया है ये वाले, इसको हम ग्रिड सर्च सीवी से भी निकाल करके हम यूज कर सकते हैं। चलिए लगाते हैं एक बार ग्रिड सर्च सीवी इसमें। तो ग्रिड सर्च सीवी लगाने के लिए हमको पहले इसको जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं पहले ग्रिड सर्च सीवी, और उसके लिए हम, यह तो हमारा हो गया। अब यहाँ से हम लोग एक बनाते हैं और यहाँ लगाते हैं RFC, स्कोरिंग वैल्यू, स्कोरिंग स्कोरिंग वैल्यू यूजिंग फाइंडिंग बेस्ट पैरम, फाइंडिंग बेस्ट पैरम यूजिंग ग्रिड सर्च सीवी, जी ग्रिड सर्च सीवी, ठीक है। हम लोग यूज करते हैं इसको। तो उसके पहले पहले हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं रेंडम फॉरेस्ट का। तो हम बनाते हैं रेंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर इक्वल टू रेंडम रेंडम फॉरेस्ट FI, रेंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। अब इसमें हम दे देते हैं रेंडम स्टेट, क्यों दे देते हैं रेंडम स्टेट इक्वल टू 42, इसको चलाते हैं। तो एक मिनट में आपको बताना चाहूंगा अभी तक हमने क्या किया है, एक बार देख लेते हैं। अभी तक हमने जो हमारा डेटा था उसको हमने रीड किया और हमने उसको स्प्लिट करके जस्ट हमने केवल रेंडम फॉरेस्ट लगाया, ठीक है। रेंडम फॉरेस्ट में जो अपने मन से हम लोग अपने मन से उसमें पैरामीटर लेकर के कर दिए। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, जो रेंडम फॉरेस्ट में जो पैरामीटर देते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम ग्रिड सर्च सीवी लगा करके बेस्ट पैरामीटर निकलवाएंगे, ठीक है। अब ये जो बेस्ट पैरामीटर इससे आएगा, हम इसको यहाँ पर रेंडम फॉरेस्ट में फिर से पास करेंगे और फिर से अपना आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। और इस पे हमारा 83 स्कोर आ रहा था, इस पे देखते हैं कि जब रेंडम फॉरेस्ट पर हम ग्रिड सर्च सीवी लगा करके बेस्ट पैरामीटर निकालते हैं और तब उसको लगाते हैं, तब हमारा कितना स्कोर आता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक नया रेंडम फॉरेस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया और मुझको बेस्ट पैरम अब फिट करना पड़ेगा। तो ठीक है, सेट करते हैं पैरम ग्रिड, ठीक है, पैरम ग्रिड इसमें सर्च करते हैं, इसमें ले लेते हैं यन एस्टिमेटर्स, यन ई एस्टिमेटर्स, यन एस्टिमेटर्स में ले लेते हैं एक लिस्ट। अभी हमने क्या लिया था, 1000 लिया था, तो इसमें 200 एंड 500 ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, जो भी आएगा इसमें आप और वैल्यू देखते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 5-7 वैल्यू आप और ज्यादा वैल्यू देख करके चेक कीजिए क्या मिलता है। मैं अभी के लिए दो वैल्यू दे रहा हूँ, 200 और 200 एंड 500। और मैक्स फीचर दे देते हैं, FEATURES, मैक्स फीचर दे देते हैं, एक ऑटो दे देते हैं और वन ऑफ द SQRT दे देते हैं एंड एक लॉग टू दे देते हैं, लॉग टू, ठीक है। एक तो मैक्स फीचर हो गया और मैक्स डेप्थ दे देते हैं, मैक्स डेप्थ, मैक्स DP डेप्थ। और इसमें हमने कितना लिया था, वो पिछली बार हमने मैक्स डेप्थ लिया था 4, तो अब की हम लोग लिस्ट देंगे कितनी वैल्यू ले लेते हैं, चलिए 4 ले लेते हैं, 4
छः, सात और आठ। ठीक है, ये तुम्हारा मैक्स डेप्थ हो गया। और क्राइटेरिया ले लेते हैं, क्राई CRITERION, क्राइटेरियन ले लेते हैं। कितना क्राइटेरियन हम ले लेते हैं, 1। एक तो ले लेते हैं गिनी, और एक ले लेते हैं एंट्रोपी, ENTROPY। ठीक है, तो पैरम ग्रिड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, हमने एक पैरम ग्रिड का रिड्यूअर बना लिया। अब हम ग्रिड सर से भी इंपोर्ट करते हैं, तो फ्रॉम SKLEARN SKLearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट, इंपोर्ट ग्रिड सर CV, ग्रिड SEARCH ग्रिड सर्च CV। ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो गया। अब इसमें हम लोग पास करते हैं CV RFC इक्वल टू ग्रिड सर्च CV। ग्रिड सर्च CV, और इसमें लोग देते हैं एस्टिमेटर्स, एस्टिमेटर्स में देते हैं हम RFC। और पैरम ग्रिड में हमारा चला जाएगा क्या, अपना पैरम ग्रिड, पैरम ग्रिड, और हम लोग CV इसको देते हैं 5। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने मॉडल को अब ट्रेन करते हैं। तो उसके लिए क्या करने पड़े, क्या करना पड़ेगा हमको, CV RFC डॉट हिट। क्या हमारे पास है, यक्स ट्रेन है, यक्स ट्रेन TRAIN, यक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। ठीक है, तो हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो देते हैं इसको थोड़ा टाइम। तो काफी देर चला, कुछ देर तक, 2 मिनट तक मुझे लगा कि इसमें कुछ एरर है, तो यहाँ पर एरर है। ये एरर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए इन्होंने क्या बोला है। कंट्रोल एक्स करते हैं, और तो एरर इज क्या, प्लीज चेंज द शेप ऑफ वाई टू यन सैंपल्स फॉर एग्जाम्पल यूजिंग रावेल। तो मैंने जब ये देखा तो मैंने रावेल के बारे में जाके देखा। तो देखिए रावेल में क्या हो रहा है कि अगर आपके पास ए नंपाई का ऑफिशियल है, तो यहाँ पे आप देखिए नंपाई डाटा एरे 1 2 3 4 5 है। अगर हम रावेल लगा दे रहे हैं इस पे, तो 1 2 3 4 5 6 हो जा रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि आपको इस पे रावेल लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग लगा देते हैं, फिर देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आते हैं और इस सेल को पहले डिलीट करते हैं, डिलीट सेल। और हमारे पास जो पैरामीटर था कहाँ गया, ये पैरम ग्रिड है, और यहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे अपना। ठीक है, तो इसको पेस्ट करते हैं। इससे पहले हमको अब रावेल लगाना पड़ेगा, तो चलिए ऊपर लगाते हैं हम। तो यहाँ पर मैं रावेल लगाता हूँ, और फिर मेरे को ट्रेन टेस्ट स्पीड करना पड़ेगा। एक बार मैं साइज देख लेता हूँ फिर, और इसको हमको कॉल करने की जरूरत है नहीं, फिर भी कर देते हैं। ठीक है, इसको तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी भी नहीं जरूरत है, इसकी भी नहीं जरूरत है। ठीक है, ठीक है, फिर से इसको करते हैं रन, और अपना बेस्ट पैरम को रन कराते हैं, ग्रिड सर्च CV को रन कराते हैं। और यहाँ पर हम लोग ग्रिड सर्च CV में वैल्यू फिट करते हैं, और इसको बुलाते हैं ट्रेन के लिए। तो ठीक है, अब ये फिट होने में कुछ टाइम लेगा, तब तक वेट करते हैं इसका। ठीक है, सो हमारा मॉडल चल चुका है, हमारा फिट जो ट्रेन, हमारा जो मॉडल और ट्रेन हो चुका है। अब हम
रिसर्च से भी हम बेस्ट पैरा हमको चाहिए, तो हमको लिखना पड़ेगा CV RFC डॉट बेस्ट पेरेंट्स, PARAMS, ठीक है। तो ये हमको बेस्ट पैरामीटर दे देगा। तो क्राइटेरियन गिनी यूज करना पड़ेगा, मैक्स डेप्थ 8 दिया है और मैक्स फीचर ऑटो है, एन एस्टिमेटर 500 है। तो ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं मॉडल बनाने के लिए। तो रेंडम फॉरेस्ट C2 इक्वल टू रेंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, तो हमको रेंडम क्लास चाहिए, हमको कंट्रोल सी रेंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, और हमको रेंडम रेंडम स्टेट 42 देना पड़ेगा, STAT रेंडम स्टेट 42, और मैक्स फीचर FEATURE मैक्स फीचर हम दे देते हैं लॉग टू, एंड एन एस्टिमेटर्स दे देते हैं 500, और मैक्स डेप्थ DEPTH मैक्स डेप्थ 800 दे देते हैं, मैक्स डेप्थ 8 8 मैक्स डेप्थ 8, एंड मिनी सैंपल स्प्लिट, मिनी सैंपल्स स्प्लिट SPLIT इसको कर देते हैं 7, और एन जॉब्स इक्वल टू -1, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी गिविंग सम एरर, एक बार मिला लेते हैं क्या, तो इन इट मैक्स फीचर, सो मैक्स फीचर FETRES मैक्स फीचर्स को रन करते हैं। तो मिनी सैंपल्स स्प्लिट, मिनी सैंपल स्प्लिट, मिनी सैंपल्स SPLIT तो गॉट एन एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गोन मिनी सैंपल्स SAMPLES स्प्लिट। तो सो मिन सैंपल स्प्लिट, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल हो गया, और हमको इसमें करना पड़ेगा अपना स्कोर निकालते हैं इससे। तो फिर ठीक है, तो इससे इसको निकालते हैं RFC डॉट हिट बर, तो RFC2 डॉट हिट RFC डॉट फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ठीक है। और हम इससे निकालते हैं अपना स्कोर RFC2 डॉट प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट किसके लिए, एक्स टेस्ट के लिए, और इसको हम स्टोर करेंगे वाई थ्रेड में, ठीक है। ये तो छोटी वाली वैल्यू हो गई। अब हमको चाहिए मीन स्क्वायर्ड एरर, तो मीन स्क्वायर्ड एरर इसको ऊपर लेके चलते हैं, एरर निकाल लेते हैं मीन SQUARED मीन एरर ERROR, ठीक है। इसमें वाई ट्रेड और देना पड़ेगा हमको वाई टेस्ट, ठीक है। सो देखिए हमारी अगली बार एरर कितनी थी, 1.018 थी, अब की बार थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। अब हमको फाइनल वाई पीरियड निकाल लेते हैं, तो ये किस पे निकालेंगे, टेस्ट पे निकालेंगे। तो RFC2, RFC2 डॉट डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट कर देंगे हम किस पे, टेस्ट वाले डेटा पे, ठीक है, जिसमें हमारा 9000 रोज है। इसका सेव भी प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट
प्रिंट वाई रेड डॉट सिप, ठीक है। अब एक सबमिशन फाइल बनाते हैं, तो सबमिशन फाइल बनाने के लिए हमको इसको डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा, तो यहीं पे हम इसको डेटा फ्रेम बना देते हैं, हम कॉमा सी ओ सी ओ एल यू एम एन यस कॉलम्स इक्वल टू सॉल्यूशन यस ओ एल यू टी आई ओ एन, ठीक है। और इसको बना देते हैं डेटा फ्रेम पी डी डॉट डेटा एफ आर ए एम ई, ठीक है, पी डी डॉट डेटा फ्रेम। अब उसके बाद हमको सबमिट करना है, तो ये वाला कोड हम लाते हैं, एक सबमिशन फाइल बनाते हैं। तो जस्ट पेस्ट हियर एंड हियर वी विल गिव द वैल्यू, ओके। तो जस्ट रन दिस एंड वी विल स्टोर दिस वैल्यू सबमिशन टू सी एस वी, और हमारे पास दो वैल्यू हो गई थी। अब इसके बाद हम इसको कर देंगे सबमिशन थ्री डॉट सी एस वी, सबमिशन थ्री डॉट सी एस वी कॉमा इंडेक्स फॉल्स, इंडेक्स इक्वल टू, ठीक है। इसको रन करवाते हैं और एरन हो गया। एक बार सबमिशन, एक बार इसका हम लोग सेव प्रिंट कर लेते हैं सबमिशन डॉट, अगली बार सेवी कारण हमको एरर मिल जाता, ठीक है। 9000 है, टू रोज है, तो यहाँ से डाउनलोड करते हैं क्या है सबमिशन डॉट थ्री है ना, तो सबमिशन वन टू थ्री वाला है, इसको डाउनलोड करते हैं। और अब इसको चल के हम सबमिट करते हैं, सबमिट करने के लिए सिंपली सबमिशन डॉट थ्री, सो इट इज लोडिंग, सो ओके ऑल राइट, सो मेक सबमिशन। सो अब की बार जो हमारा स्कोर आया 85 आया। सो इस तरीके से आप जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन मॉडल लगाइए और मॉडल को चेक कीजिए कि स्कोर जो हमारी स्कोर है उसको स्कोर वैल्यू को बढ़ाइए। तो जैसे मैंने पहले क्या लगाया था, पहले रैंडम फॉरेस्ट केवल लगाया तो फिर हमारे स्कोर थोड़ा कम हो गया। फिर मैंने क्या किया, रैंडम फॉरेस्ट को मैंने फिर ग्रिड सर्च सीवी लगा करके बेस्ट पैरामीटर ढूंढा, बेस्ट पैरामीटर निकाल कर फिर मैंने लगाया, तो फिर मेरा स्कोर और आ गया। इस तरह आप ऑनसेंबल, कोई ऑनसेंबल एक मशीन लर्निंग उठाइए या तो एक्सजी बूस्ट क्लासिफायर आप यूज कीजिए, देखिए उससे कितना स्कोर आता है, और अच्छा स्कोर आता है तो उसको एक स्क्रीनशॉट लेकर नाडोज पे पोस्ट कीजिए। और मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय।